आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं तो आपको HD थंबनेल बनाना जरूर आता होगा, क्योंकि YouTube पर काम करने की सबसे बड़ी बात है। और आपको जो अपने व्यूअर्स के लिए दिखाना चाहते हैं, आपका जो है टाइटल और जो भी आप दिखाना चाहते हैं, सब कुछ आपका जो बेस होता है वो आता है आपके थंबनेल पे। क्योंकि हर व्यूअर जितना भी आते हैं, नए जितने भी ऑडियंस आती है, वो आपके थंबनेल को देखकर ही आकर्षित होती है और तभी आपकी वीडियो को पूरा देख पाती है। तो क्या आप HD थंबनेल बनाना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपको थंबनेल कैसा बनाना चाहिए, आप कैसे अट्रैक्टिव दिख सकते हैं और आप अपने वीडियो में थंबनेल के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन ले लेनी होगी जिसका नाम है फिक्सर लैब। दोस्तों फिक्सर लैब बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, इससे आसानी से आप जो है किसी भी तरह का थंबनेल बना सकते हैं। हर एक चीज इससे मुमकिन है, आप YouTube का बैनर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, अपने Facebook का भी बैनर बना सकते हैं, जैसे चाहे आप इस पे अच्छी तरह से अपना पेपर कट के बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाती है। तो चलते मोबाइल स्क्रीन पर सीखते हैं सिंपल कि आप 2 मिनट में कैसे HD थंबनेल बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जैसे मैंने कर लिया फ्रेंड्स, और चलते हैं। आपको क्या इमेज का साइज लेना है, क्योंकि थंबनेल का साइज होता है वो अलग होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे YouTube थंबनेल का ऑप्शन है, मैंने 3 डॉट पर क्लिक करके वहां से ऑप्शन ले लिया। आपको भी वैसे सिंपल तैयार कर लेना है जैसे मैंने कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिखा दे रहे हैं नीचे की तरफ। तो आपको जाना है चौथे इस पे, आपको जो है कलर ले लेना है, चाहे आप कौन से भी रेड ब्लैक येलो जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, मैं ब्लू ले लेता हूँ। चाहे तो आप जो है किसी भी वेबसाइट से आप जो है यहाँ पर आप भी कोई सा भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन हर तरह की आपको परमिशन देती है यूज करने के लिए। फिर चलते हैं प्लस वाले आइकॉन पे और मैं गैलरी से चलता हूँ, जो मैंने कलर ड्रॉप वाली इमेज को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये रही, चाहे तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखने में अच्छी लगती है। अगर आपको ऐसा अच्छा ना लगे तो फ्रेंड्स आप जो है बहुत सारी ले रखी है मैंने, आपको भी देख लेनी इस तरह से। अब मुझे ये इस तरह अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसे घुमा लेता हूँ ये, और घुमाने के बाद में मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें थीम के हिसाब से। अब कुछ फ्रेंड्स इस तरह से दिखाई देगा ये, तो दिखाई देने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद में अब जो है मुझे दिखाना है कि मैं HD थंबनेल कैसे बनाते हैं मोबाइल से। तो मुझे कुछ एप्लीकेशन जो मैंने पहले फिक्सर लैब से बना रखी हैं वे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने पहले से बना रखी हैं कि ये इस तरह से आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसे हल्का सा घुमा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। फिर चलते हैं फिर से एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने फिक्सर लैब से बनाई थी ताकि अच्छा लगे देखने के लिए। और मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद में आपको भी छोटा कर लेना है, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा घुमा के मैं कोने पर सेट कर देता हूँ और एक और ले लेता हूँ जिसे 2 3 जैसे चाहें आप जिसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको सिर्फ अपने ऑडियंस का जो है माइंड को इधर खींचना है, मतलब आप मजबूर कर दें कि वो आपकी वीडियो को देख के ही जाए, बस आपको ऐसे बनना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स चलते हैं और यहाँ ये मेरा सिलेक्ट हो गया, आपको भी ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स अब आपने दिखा दिया कि आप मोबाइल से इस तरह से HD थंबनेल बना सकते हैं, क्लिकबेट थंबनेल बना सकते हैं। अब आपको और अट्रैक्टिव करने के लिए आप इसमें कुछ टैक्स लिखने होंगे। तो टैक्स लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या एक शेप ले लेता हूँ ये इस तरह की, और क्योंकि इससे थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा इससे, और मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। पूरा करने के बाद में थोड़ा सा इसे व्हाइट लाइन में रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा ये थोड़ा घुमा देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ ये। अब इस तरह से घुमा लिया मैंने फ्रेंड्स, आपको भी घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मुझे जो है अपना एक फोटो लेना है जिससे मैं सिखाया हूँ कि आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं कोई सा भी इमेज ले सकता हूँ, चाहे तो मैं इसे ले सकता हूँ, तो मैंने बैकग्राउंड इरेज करके ले रखी थी इमेज को। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अपने ऑडियंस को सिखाने के लिए कि आपको ऐसे बना सकते हैं। आप चाहे जो किसी भी तरह की इमेज ले सकते हैं कुछ ऐसे, और आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे फ्रेंड्स थंबनेल, अब लिखना है थंबनेल THE थंबनेल
सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो है इसका कलर लेना है। हम ए वाले टैक्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कलर ले लेते हैं। कलर चाहे तो हम रेड कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं, और इसे अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा चाहिए आपको। अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब ऐसे करने के बाद में हमको जो है ये टैक्स जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसके फॉन्ट को बदल सकते हैं। ए बी का ऑप्शन आ रहा होगा। फॉन्ट चाहे तो आप इतने सारे ये एप्लीकेशन शो करने के देती है, शो हो रहे हैं इसमें, आप जौन सा चाहें फ्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला ले सकते हैं और इससे कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जो है ये वाला ले सकते हैं। ये थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में, अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसा लगने के बाद में फ्रेंड्स आप क्या है इसमें थोड़ा चाहे तो स्टॉक लगा सकते हैं। स्टॉक यानी साइड की जो धारी आती है उसे लगा सकते हैं, या आप इसके इसके बैकग्राउंड में थोड़ा शैडो डाल सकते हैं। शैडो चाहे तो आप ब्लैक कलर का लगा सकते हैं या व्हाइट या रेड। रेड की सॉरी एप्लीकेशन है तो हमारे शैडो लगाने कोई अच्छी जरूरत नहीं लग रही, तो कोई बात नहीं। आपको 3D में थोड़ा सा इसे घुमा देना है, जैसे कि ये अब अच्छा लगा देखने में। अब जो है फ्रेंड्स हमें चलते हैं थोड़ा सा फिर से फ्रॉम गैलरी से, कुछ हमें इमेज लेनी है यूट्यूब की, जिससे कि देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो मैं इसे बैकग्राउंड इरेज करके आपको ले लेनी है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं इसी तरह से, मैं दिखाता रहता हूँ आपको, मेरी वीडियो को पूरा देखते रहें। अब इसका क्या है फ्रेंड्स, इस पे चला जाना है और इसका जो है बीच वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो है नीचे की तरफ से ये कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा होगा पेंट की तरह से ऐसे, तो यहाँ पे चल के आप चाहे तो इसका पेंट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्ट्रोक बदल सकते हैं। तो मैं स्ट्रोक व्हाइट में करके थोड़ा क्या विल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो आप जो है इन्हें सबको लॉक कर ले, लॉक कर लेते हैं कि आपको ये जब आप टच करें तो इसे बार बार हिले ना। ऐसे करने के बाद में फ्रेंड्स आप फिर से चल रहे हैं गैलरी में और हमें जो है कुछ आइकॉन लेने होंगे यूट्यूब के। सर ये आइकॉन ठीक नहीं है, और हम यूट्यूब के आइकॉन ले लेते हैं कुछ, और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। चाहे तो आप अपने हिसाब से जो चाहे लगा सकते हैं, या पे आपको अच्छा लगे यूट्यूब का आइकॉन ले सकते हैं, या अपने शॉर्ट वीडियो का ले सकते हैं, या मैं इसका ले लेता हूँ शॉर्ट वीडियो का, ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इसको। उठाने के बाद में क्या है आपको ऐसे टेढ़ा करके लगा देना है, उससे क्या लगेगा फ्रेंड्स ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और फिर से चलते हैं गैलरी में, और गैलरी में चलने के बाद फिर से मैं एक बार इसे और ले लेता हूँ। ऐसे लेने के बाद में दो एक जगह से सेट कर लें बैकग्राउंड में, ये नीले वाले में। तो क्या है फ्रेंड्स और भी एप्लीकेशन जो और भी अट्रैक्टिव लगती है, ये यहाँ ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐड होने के बाद में और भी अच्छी लगी। ऐड होने के बाद में हम चलते हैं और अब कुछ थंबनेल हमारे इस तरह से अट्रैक्टिव लगने लगी फ्रेंड्स। और अट्रैक्टिव लगने के बाद हम थोड़ा सा टैक्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो टैक्स लिखने के लिए कोई ज़्यादा जरूर दूर जाने की जरूरत नहीं। टैक्स के ऑप्शन पर जाते हैं और हम लिख लेते हैं 2 मिनट में थंबनेल बनाए। 2 मिनट 2 मिनट में, और यहाँ हमने ये लिख लिया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं और ये एडजस्ट हो गया। अब इसके टेक्स्ट के हिसाब से इसका साइज कम छोटा बड़ा कर सकते हैं या कलर भी ले सकते हैं। मुझे कलर जो है रेड अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे इसको स्ट्रोक दूंगा, या आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो मैं जो हूँ इसका स्ट्रोक देता हूँ वाइट, इससे थोड़ा और भी ऊपर हो जाएगा ये और देखने में अच्छा लगेगा। 2 मिनट में थंबनेल, और यहाँ पर लिख देता हूँ बनाए। तो फिर से टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं बनाए बनाए। तो सिंपल मैं आ गया यहाँ पे और ये इसे ऐसे करके लगा देता हूँ। अभी क्या है टेक्स्ट की कलर जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चाहे तो आप नीला लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, जो सा चाहे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और लगाने के बाद में फ्रेंड्स आप इसका जो है साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज करने के लिए कोई ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी में ऑप्शन रहता है, और ये स्ट्रोक कर सकते हैं। और ये आ गया साइज का ऑप्शन, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने बना दिया। अब हमारा जो है थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, और आप जिस जिस को फोटो को जो भी आपने ऐड किए थे उसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें कि आपका थंबनेल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से फिर ऐसे लगेगा। तो ये हमारा जो है थंबनेल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद में सब चीज़ें जितने भी हमने इंक्लूड की थी इन सबको लॉक कर लेते हैं। फाइनली लॉक करने के बाद में
हम वापस चलते हैं और हमारा जो थंबनेल तैयार हो जाता है। मंगा दी पूरा थंबनेल जो है आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए फिर से हम जाते हैं थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद ना सिंपल हमको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के देखो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे सेव टू गैलरी, यानी कि आपने थंबनेल को रेडी कर लिया है और ये इमेज सेव्ड हो जाती है ऑटोमेटिक आपके इमेज गैलरी में। तो यहाँ पे आपने सीखा कि आप कैसे मोबाइल से थंबनेल बना सकते हैं क्रिएटिव। दोस्तों आपको किसी की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे माइंड में सोचते हैं आप कैसे लोगों को दिखा सकते हैं कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, आपको वो दिखाना है फ्रेंड्स। आप वो दिखाइए अपनी इमेज की, आप अपनी इमेज के माध्यम से वो दिखाइए कि लोगों को जो चाहिए वो क्या होता है फ्रेंड्स। जब अगर आपकी ऑडियंस जो है आपके सारी जितने वीडियो की आपने समझाया है सारी चीजें जो बेस आ जाता है वो आ जाता है आपके थंबनेल पे, तो थंबनेल में ही हर एक चीज शो हो जाती है कि ऑडियंस समझ जाती है कि आपकी वीडियोस में अंदर जाना चाहिए, आपकी वीडियो को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो वो थंबनेल देख के ही समझ जाती है। तो आपको भी थंबनेल कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। ज्यादा क्लिकबेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी वीडियो में कुछ और है और थंबनेल किसी का आपने डाउनलोड करके लगा दिया, वीडियो कहीं और कुछ बनाते हैं आप मगर आप थंबनेल लगाते हैं किसी और चीज का, तो वो वीडियो भी आपकी मिसलीडिंग हो जाती है। ऐसा ना करें, सिर्फ आपको यूनिक कंटेंट बना के यूनिक थंबनेल बनाना है। मैं आपको जो है 2023 में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स लॉन्च होंगे यूट्यूब पर और आप जो है इन चीजों को मिस ना कर दें, इसके वजह से मैंने आपको ये सिखाने के लिए आज की वीडियो बनाया। क्योंकि कुछ क्रिएटर अब भी ऐसे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी जो व्यूज तो काफी अच्छे हैं और अच्छी खासी रीच हुई मगर उन पे क्या थोड़ा पीछे चले रह गए कि उनके जितने भी थंबनेल थे वो अट्रैक्टिव नहीं थे। आप टेक्निकल योगी को ले लीजिए, मनोज दे को ले लीजिए, जितने भी थंबनेल बनाते हैं वो अट्रैक्टिव बनाते हैं फ्रेंड्स, और उनके जो है व्यू जितने भी ऑडियंस है वो थंबनेल देखकर ही अट्रैक्टिव होती है और जितने भी अट्रैक्टिव होने वाले व्यूअर्स हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं और शेयर करते हैं, तभी तो आज इतने बड़े यूट्यूबर बन पाए हैं। तो आपको भी फ्रेंड्स ऐसे ही थंबनेल को बनाना है, तभी आप एक अच्छे सफल क्रिएटर बन सकते हैं यूट्यूब पर। तो आई होप आपको वीडियो आज की नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से मेरे सहमत हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करने हैं, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियो जितनी भी आएंगी आप सभी को सबसे पहले देख सकें, कहीं आप जो है मिस ना कर दें कमाल की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।